नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन, और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले की बात, जिसमें कई तार खुलते जा रहे हैं, एक के बाद एक परत खुल रही है। महादेव सट्टा 364 पैनल से ऑनलाइन आईपीएल सट्टा संचालित कर रहा था। बिहार के 5 अंतर्राज्यीय सटोरियों को कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया है। रायपुर पुलिस की ऑर्गेनाइजेशनल इनपुट पर कार्रवाई की गई है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया वो बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव के पैनल से जुड़े हुए थे। सटोरिये कोलकाता में बैठकर महादेव आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टे का संचालन कर रहे थे। इस पैनल के आरोपियों के साथ अब तक कुल 13 सटोरिये गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने सटोरियों के कब्जे से 7 लैपटॉप, 19 मोबाइल, 7 पासबुक, 5 चेकबुक और 10 एटीएम जब्त किए। वहीं 18 राज्यों में महादेव सट्टा केस के बैंक अकाउंट संचालित हो रहा है। बैंक खाते सीज होने के बाद क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का मैसेज सटोरिये जारी कर रहे हैं। डायनेमिक बेसिस पे अलॉट हो रहे हैं अकाउंट, किसी एक पैनल के लिए नहीं बना हुआ है। अकाउंट्स 20 मिनट के लिए वैलिड होते हैं पैसा जमा करने के लिए। 20 मिनट लैप्स हो गए आपको, फिर आपको नया अकाउंट जारी होगा। सो बहुत ही एक डायनेमिक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल, जो कि अकाउंट्स को अलॉट कर रहा है आपके ट्रांजेक्शन के लिए। तो उस तरीके से देखें तो, और चाहे हवाला का भी हम वेब को देखें तो पैसा भी डेटा की तरह है। एक आदमी से दूसरे आदमी तक जो पैसा जाता है, जैसे डेटा अगर आप ईमेल भेजें तो हो सकता है रायपुर की ईमेल मुंबई पहुंचनी हो सकता है न्यूयॉर्क से उसका पैकेट जाएं फिर लौट के आएं, उसी तरह हवाला का पैसा भी है। आप पैसा वहां से वहां भेज रहे हैं, पता नहीं वो बीच में कहां कहां से रूट हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर हम हवाला लेवल पे देखें, पैनल्स के ऑपरेशन को देखें तो सारे इंटरलिंक्ड हैं, जो पिरामिड है अपना दुबई में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें करीब 18 राज्यों के अकाउंट हैं, इंटरनेशनल बैंक्स के भी अकाउंट हैं। तो इनमें से बहुत सारे अकाउंट्स, मैं जैसा हमारा अनुभव रहा है पिछले 1-2 सालों में, कुछ बैंक्स में अकाउंट खोलने की जो प्रक्रिया है वो कोल्यूसिव है। मतलब जो ऑफिसर्स हैं लोकल लेवल के बैंक्स के और जो खोलने वाले हैं उनमें कोल्यूजन है, उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है और वो अकाउंट्स खोल रहे हैं। युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, जिस तरीके से ये समझाया जा रहा है कि पहले बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते थे, बैंक अकाउंट जो है वो कुछ देर के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद नया बैंक अकाउंट आ जाता है, उसके ऊपर रोक लगी, तो अब ये क्रिप्टो में लेन देन करने लगे हैं, तो ये क्रिप्टो पर लेन देन जो हो रहा है इसको लगाम कैसे लगाई जाएगी, रोका कैसे जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए महादेव सट्टा ऐप के जितने भी सटोरिये हैं काफ़ी हाईटेक तरीके से काम करते हैं और उनका पूरा गैंग है वो अलग अलग तरीकों से काम करता है। पुनीत, एक हैं जो उनको बैंक अकाउंट्स है वो प्रोवाइड्स कराते हैं, दूसरा उस सॉफ्टवेयर पर मॉनिटरिंग करते हैं, और जिस तरह से आईजी खुद ये बता रहे हैं कि 20 मिनट के लिए वैलिड रहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के जो पैसे है हवाले का वो आने जाने की जो संभावना है वो बनी रहती है, और उससे भी बड़ी बात है कि बैंक अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता भी कई मामले में पाई गई है, क्योंकि आसानी से उनको खाते प्रोवाइड कराया जा रहा है, खोले जा रहे हैं, तो एक बड़ी बात कही जा सकती है। और 18 राज्यों में पूरा इनका जो गिरोह है वो संचालित हो रहा है, और खास बात यह है कि इनके जो अकाउंट को जो होल्ड कराया गया है 2-3 लाख रुपए की जो रकम है, उसके बाद अब क्रिप्टो करेंसी में इसे कन्वर्ट करके पैसे को दूसरे माध्यम से भेज रहे हैं ताकि ये जांच एजेंसियों के जो आंखों में धूल झोंक सके। लेकिन जांच एजेंसियां के हाथों पर इनकी जो मैसेज हैं, ग्रुप के जो मैसेज हैं वो तक हाथ लग रहे हैं, और जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप के जो संचालक हैं पुनीत, उन लोगों ने अपने संचालनकर्ताओं को छोटे छोटे जो हैं उनको पैनल जो संचालित करते हैं उन्हें मैसेज दिया था कि क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करें, तो वो मैसेज अब पुलिस के पास है और अब पुलिस उस दिशा में काम कर रही है। तो ठीक कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और भी अलग अलग राज्यों के आरोपियों की गिरफ्तारी है वो हो सकती है। जैसे ही नए ऐप के महादेव सट्टा ऐप के पैनल लॉन्च होता है उसकी लिंक पुलिस तक आ जाती है, और पुलिस यही वजह है, आप सोचिए अभी 5 आरोपियों को कोलकाता से दबोच कर लाई है और सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, पुलिस आगे पूरे मामले में जांच कर रही है, और भी परतें खुलने वाली हैं।
इधर बात अगली खबर की करें तो छत्तीसगढ़ में मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसा। सीजीपीएससी घोटाले पर ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ धोखा किया है। बीजेपी ने सरकार बनते ही सीबीआई जांच का फैसला किया, इससे कई लोग घबराए हुए। कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, उन्होंने छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और आज जब हमारी सरकार बनते ही हमने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है, सीबीआई जांच की प्रक्रिया सेंटर में नोटिफाई हो चुकी है, कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, कई लोग गायब हो गए हैं, भगोड़ों की तरह भाग रहे हैं, कई लोगों के देश छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में ये भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची हुई है। जो छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ जो अन्याय किया है उसके हरेक को उसका हिसाब देना पड़ेगा। कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है, लगातार दो चुनावों से देश की राजनीति में वो विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, यहाँ हर एक पद पद नहीं होता है, दायित्व होता है, तो यहाँ कोई पोस्ट की भाग दौड़ नहीं मची हुई है, बल्कि आपने कांग्रेस के 5 सालों में देखा कि जय और बीरू में ही नहीं बन पाई, इन लोग दूसरों पर सवाल उठाते हैं कि हास्यास्पद। इधर कोरबा की बात करेंगे जहां पर सड़क किनारे एक घर में जाकर